हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे तीन तरीके की मट्ठी नमकीन। आलू की बनाएंगे, मेथी की बनाएंगे और बनाएंगे हरे पुदीने की। तो चाय के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ले रहे हैं हम दो आलू। तो दो बॉयल आलू लिए हैं मैंने। आलू गर्म नहीं लेने हैं, ठंडे करके लेने हैं, बिल्कुल ठंडे आलू लेने हैं आपको रूम टेम्परेचर पे। फिर इनको आपको ऐसे रफली चॉप कर लेना है इस तरह से। तो ये रेसिपी आप झटपट बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और इसको आप स्टोर भी काफी लंबे समय तक कर सकते हैं। बस जरूरत है तो आप रेसिपी सही से बनाएं तो वीडियो को पूरा देखें। और इस तरीके से हमने आलू जो है चॉप कर लिए हैं। अब इसको मिक्सी जार में डालेंगे। तो आलूओं को मिक्सी जार में डाल के हमें इसे पीसना है। तो इसमें कुछ मसाले भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगी ये हरी मिर्च। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं, चटपटा खाते हैं, तो यहाँ पे दो हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं आप। और फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चार पांच काली मिर्च। नमक अभी मैं इसमें नहीं डालूंगी। और अब इसमें मैं पानी भी नहीं ऐड कर रही हूँ। पानी की जगह पे थोड़ा सा आधा नींबू ले लिया मैंने। इसको निचोड़ देंगे आधे नींबू को। इसमें पानी डाल के हमें आलू नहीं पीसने हैं। और इस तरीके से हम आलू को पीस लेंगे। तो आलू पीस चुके हैं। अब ये कटोरी लेंगे, उसमें लेंगे हम एक चम्मच आटा और एक चम्मच बेसन। और अब इसमें एक चम्मच घी लेंगे, मेल्ट किया हुआ, दो चम्मच हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसमें लगभग दो चम्मच ही पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसका एक थिक बैटर हमने तैयार कर लेना है। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। जितना पानी हो उतना ही घी हो। इस तरीके से आप इसका गाढ़ा बैटर, जैसा फेविकोल का होता है, वैसा आप तैयार करके इसे हम साइड में रख देंगे। अब लेंगे एक बड़ा बर्तन और उसमें डालेंगे लगभग 150 ग्राम आटा है इसमें। एक कटोरी आटा ले रही हूँ मैं। तो आप अपने हिसाब से कोई कटोरी वगैरह मेजरमेंट के लिए ले लें। और अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच बेसन, एक बड़ी चम्मच है बेसन डाल देंगे, और एक चम्मच सूजी डालेंगे। और इसमें अभी मसाले भी डालेंगे हम। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक छोटी चम्मच या आधा चम्मच अजवाइन, और थोड़ी सी हल्दी भी डाल रही हूँ मैं। कलर बढ़िया आएगा इससे, कलर अच्छा आएगा। और अब डाल रही हूँ नमक। टेस्ट के हिसाब से डालें आप, कम ज़्यादा जैसा भी खाते हैं उस हिसाब से नमक डालें। और अब इसमें डालूंगी मैं ये बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा नहीं लेना है हमें, बेकिंग पाउडर लेना है। एक छोटी चम्मच जो मसाले में होती है वो आधी छोटी चम्मच हमने लेना है बेकिंग सोडा। और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जब सूखा आटा हो, जब भी अच्छे से मिक्स कर लें। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ घी। तो ये लगभग 2 टेबलस्पून घी है, और मेजरमेंट में बताऊँ तो लगभग 25 ग्राम घी है। इसको हम मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको घी ही लेना है, कोई ऑयल या कोई रिफाइंड नहीं लेना है। घी से ही ये रेसिपी बहुत बढ़िया बनेगी, आपकी टेक्सचर और टेस्ट वही आएगा। तो अब इसको मैंने मेल्ट कर लिया है और अब इसको इसमें डाल देंगे। मैश करने से पहले देख लें कहीं आपका घी गर्म ना हो, वरना आपके हाथ जल सकते हैं। तो पहले टच करके देख लें, फिर से अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम आटे को, सभी चीज़ों को। तो यहाँ पे आटे की जगह पे आप चाहें तो, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप प्रॉपर मैदा ले सकते हैं। मैदे से और भी क्रिस्पी आपकी रेसिपी तैयार होगी। तो इसको अच्छे से मैश करेंगे हम, मिक्स कर लेंगे मोइन को। और सूजी और बेसन हमने इसलिए मिलाया है, सूजी से जो है क्रिस्पी बनेगा हमारा जो भी हम नाश्ता बनाएंगे, और बेसन से स्वाद अच्छा आएगा। तो इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। घी मिक्स करने के बाद आपका जो आटा है वो इस तरह से होना चाहिए। तो अगर आपका सब कुछ, सारे मसाले, घी वगैरह परफेक्ट होगा तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी तैयार होगी। और अब हमने जो आलू पीसे थे मिक्सी में वो डाल देंगे इसमें सारे। अच्छे से सारे आलू निकाल लेंगे हम और मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर अभी सूखा है, अच्छे से डो नहीं लग रहा है, तो आप एक आलू और मैश करके मिक्सी में पीस के ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ पे पानी हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर आप रेसिपी को आगे काफी टाइम तक, हफ्तों तक स्टोर करना चाहते हैं, तो पानी एक बूंद भी इसमें हमने नहीं डालना है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये धनिया और इसको गूंथ लेंगे अच्छे से। अभी डो टाइट लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको जब रेस्ट पे छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट मीडियम सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब इसको अच्छे से मसल के हम इस पे घी लगा के इसको कवर करके छोड़ेंगे। लगभग अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा छोड़ दें, वरना 15 मिनट तो आपको छोड़ना ही है इसको। तो यहाँ लगभग 20 मिनट में छोड़ रही हूँ इसको। 20 मिनट बाद ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो अगर इसी तरीके से आप सारी चीज़ें बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो लास्ट में जो आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी वो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी तैयार होगी। तो अब यहाँ पे लोई कट कर रही हूँ। लोई रोटी बनाते हैं उतनी बड़ी कट कर सकते हैं, उससे थोड़ी बड़ी भी कट कर सकते हैं। तो 8 लोई तैयार हुई हैं, इन सबको हम बेल लेंगे। तो बेलने के लिए आप आटा सूखा लगा सकते हैं, वरना आप नहीं लगाएंगे तब भी आराम से रोटी बेली जाएगी। लेकिन अगर लगा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अच्छे से रोटी बेल लेंगे। रोटी को बहुत मोटा है, बहुत पतला नहीं रखेंगे, जैसी रोटी बनाते हैं बस वैसे ही रखना है। ये सारी रोटियां मैंने बेल ली हैं, थिकनेस आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो प्लीज फ्रेंड्स, मेरे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जो हमने बैटर बना के रखा था उसको यूज करेंगे आप। अगर ये बैटर टाइट हो गया है तो इसमें एक चम्मच घी मेल्ट करके मिला सकते हैं आप, और इसको इस तरीके से बैटर को हम रोटी पे लगा देंगे। पूरी रोटी पे फैला देना है इसको, फिर इसके ऊपर से हम रख देंगे दूसरी रोटी को। उससे पहले हम इस पे सूखा आटा डालेंगे इस तरह से, जहां जहां पे हमने बैटर लगाया है पूरी रोटी पे अच्छे से सूखा आटा जाना चाहिए। और फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी रखी है उस पे भी हम ये बैटर लगाएंगे और पूरे में बैटर फैला देंगे, फिर इसके ऊपर से सूखा आटा डालेंगे। सेम प्रोसेस करना है, ऐसे ही सारी रोटियां हमें एक दूसरे के ऊपर रखनी है और ऊपर से उसके ये बैटर लगाना है, फिर उसके ऊपर सूखा आटा लगाना है, फिर उसके ऊपर से रोटी रखनी है। इस तरह से सारी रोटियां हम ऐसे कर लेंगे और लास्ट में हमने इस रोटी को रख दिया है। काफी मोटा हमारा बन चुका है रोल ये, तो इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि ये थोड़ी पतली हो जाए। ज्यादा नहीं बेलना है, आपकी ऊपर वाली रोटी फटनी नहीं चाहिए, इतना ही प्रेशर आपको देना है। और इसे हल्के हाथों से ऐसे बेल लेना है, बराबर करनी है रोटी चारों तरफ से, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए आपकी। तो जितनी रोटियां रखी हैं उतनी ही लेयर आएंगी आपकी। तो अब इसको हम चारों तरफ से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें चारों तरफ से इसको कट कर लेना है, बहुत कम साइड कट करनी है, बस इसको एक स्क्वायर शेप देना है, इस तरीके से कट करना है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी लेयर इसमें है। तो इसको हम बाद में यूज कर लेंगे, साइड में रख देंगे ये आटा।
और अब इसको हम इस तरीके से पीसेस में कट करेंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं ज़्यादा छोटे भी नहीं, जितने बड़े बर्फी के पीसेस होते हैं उतना बड़ा हम इसको कट करेंगे। और अब इसको बर्फी वाली शेप दे दी है, बिल्कुल मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कितनी सारी लेयर इसमें तैयार हो गई हैं, बहुत ही लेयर बनी है, बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगा हमारा ये नाश्ता। और अब पेंसिल की मदद से इसे मैं ये शेप दे दूंगी इस तरह से। तो इससे क्या होगा, जब आप फ्राई करेंगे तो ये खुलेगी नहीं और एक बढ़िया सी आपको शेप भी मिल जाएगी, डिजाइन भी मिल जाएगा इस तरह से। तो परफेक्टली आप इसे हल्के हाथ से बिल्कुल पेंसिल से प्रेस करें, बहुत ज़्यादा टाइट आपको प्रेस नहीं करना है। और इस तरीके से हम सारी तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है और ये बहुत ही अच्छी मट्ठी हमारी तैयार होने वाली है। और इनको आप कभी तक स्टोर करें, खराब नहीं होंगी। बस आपको ध्यान रखना है तो फ्राई करने के तरीके पे, बहुत हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्की आंच आपके हाथ पे आनी चाहिए। इसी टेम्परेचर पे आपको इसमें जो है मट्ठी डालनी है। जब इसमें आप मट्ठी डालें तो वो बॉटम में बैठ जाए, एकदम से ऊपर नहीं आनी चाहिए, हल्के से आप देख सकते हैं बबल्स पड़ रहे हैं इस पे। तो इसी टेम्परेचर पे आपको डालना है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है मैंने अभी, बिल्कुल हल्का गर्म ऑयल है। और इसी टेम्परेचर पे हम इसको 2 मिनट तक छोड़ देंगे। अपने आप ये धीरे धीरे से जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये अपने आप ऊपर आएंगी। तो 2 मिनट तक हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है, फ्लेम को लो रखना है। और अब 2 मिनट बाद दे सकते हैं, धीरे धीरे ये ऊपर आ रही है। अब क्या करना है, किसी चम्मच से या चक्कू से इन्हें हल्के हाथ से चला देना है, पलटने की कोशिश नहीं करनी है। तो इस तरीके से अगर आपने इसमें शेप नहीं दी होती तो ये बीच में से इसकी लेयर अलग हो जाती है, बहुत ही लेयर और बहुत ही क्रिस्पी हमारा ये जो हमारी मट्ठी है वो तैयार होंगी। तो आलू की मट्ठी आप कभी तक स्टोर करें, बस ध्यान रखना है ये अंदर तक अच्छे से कुक होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। मॉइस्चर रहेगा तो ये खराब होंगी और मॉइस्चर नहीं रहेगा तो खराब नहीं होंगी। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर दिख रही है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर लुक आया है। तो जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें। और अब आप देखें कितनी क्रिस्पी है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे ये मट्ठी, इसको मट्ठी भी बोलते हैं। ये ताजी मेथी की बनाई है और इसमें हमने कोई मैदा या कोई बेसन यूज नहीं किया है, घर के आटे से बनाई है, बिल्कुल परफेक्ट मट्ठी आप देख सकते हैं। और इनको फ्राई किया है हमने घर में ही अवेलेबल, बस मेथी ली है मैंने 200 ग्राम और इसकी पत्तियाँ अलग कर ली हैं। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल पत्ती पत्ती ही है, कोई भी डंडी या जड़ नहीं है। तो ऐसे पत्तियाँ अलग कर लेनी है और इसको बारीक काट लेना है और अच्छे से धो लेना है। उसके बाद एक पैन ले लिया है, उसमें 1 चम्मच तेल डाला है और इसमें अब डाल देंगे हम कटी हुई मेथी और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। चीनी जो है मेथी कड़वी होती है तो उसी कड़वाहट को बैलेंस करेगी, ज़्यादा कड़वी हमारी मट्ठी नहीं बनेगी। तो अब इसको अच्छे से चला लेंगे, सूखा कर लेंगे इसको। तब तक लेते हैं एक परात और इसमें लेते हैं 1 कटोरी आटा जो 200 ग्राम है और 1/4 कटोरी सूजी जो कि 25 ग्राम के आसपास है, नमक, मिर्च, गरम मसाला, अजवाइन 1 चम्मच, जीरा भी 1 चम्मच और हल्दी 1/2 चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच ऑयल यूज किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दोनों हाथों से मसल लेंगे ताकि नमक, मिर्च, मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं और मोइन भी आटे में परफेक्टली मिक्स हो सके। और अब इसमें हमने मेथी डाल दी है जिसको हमने पकाया था, हल्का सूखा सूखा सा कर लिया था, इसका पानी खत्म कर दिया था। अब इसको भी अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि मेथी पूरे आटे में बराबर मिल सके। और अब पानी लेंगे, नॉर्मल पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लेंगे, जैसा पूरियों का आटा गूंदते हैं वैसा ही गूंदेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं गूंदेंगे। और इसमें हमने मैदा नहीं, गेहूं का आटा घर में यूज होने वाला वही यूज़ किया है और इसको अब अच्छे से मसल लिया है। आप ढक के रख देंगे इसको 10 से 15 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा तेल लेंगे और इसको अच्छे से संभाल लेंगे दोबारा से और इसके टुकड़े कर लेंगे, जितनी बड़ी रोटी हमको बेलनी होगी उतनी। तो ये आप देख सकते हैं 5 रोटियां बनेंगी हमारी। तो अब हम रोटी बेल लेंगे और मट्ठी को आप अपने हिसाब से कोई भी शेप ऐसा दे सकते हैं, पर जो ये शेप बनाऊंगी मैं, इस शेप में मट्ठी बहुत ही खस्ता रेडी होती है। तो पहले अच्छे से रोटी को बेलेंगे और अब इस पर 1/2 चम्मच घी या ऑयल जो भी यूज करें वो डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। फिर इस पर 2 चुटकी आटा लेके वो फैलाएंगे और इसको दोबारा चम्मच से सेट कर देंगे। इससे हमारी मट्ठी बहुत खस्ता बनेगी और इसका रोल कर लेंगे ऐसे और इसको बराबर हिस्से में कट कर लेंगे। आपको मट्ठी बड़ी बनानी है मट्ठी तो आप थोड़ा मोटा साइज, बड़ा साइज कट करें, छोटी छोटी बनानी है तो छोटा साइज। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी मट्ठी बना रही हूँ और इनको ऐसे हाथ से प्रेस कर देना है, बस आपकी मट्ठी रेडी हो जाएंगी और इतनी खस्ता बनेगी ये सारी मट्ठी। तो ये मट्ठी आप देख सकते हैं, तो आप देखें कैसे बनानी है, ऐसे कर दें इसे और फिर ऐसे या फिर डायरेक्ट हथेली से प्रेस कर दें एक बार, तो भी आपकी मट्ठी तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैंने सारी मट्ठी तैयार कर ली है और आप देखते हैं तेल का टेम्परेचर हमारा ये बिल्कुल सही टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर पे हमें सारी जो मट्ठी है वो डाल देनी है। तो हम सारी मट्ठी डाल देंगे और इनको इसी फ्लेम पे लगभग 2 से 3 मिनट तक रहने देंगे, उसके बाद हम इसमें करछी लगाएंगे। अगर अभी पलटेंगे आप तो ये इतनी खस्ता है कि इनकी शेप खुल जाएगी। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक एक करके मट्ठी पलट देंगे, सारी मट्ठियों को पलटेंगे एक करके और आप देख सकते हैं अभी भी हमारी शेप अच्छे से दिख रही है। तो ये मट्ठी ना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मट्ठी की रेसिपी तक अब इनको हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी मट्ठियाँ रेडी हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे, बहुत खस्ता मट्ठी रेडी हुई है हमारी ये। तो मेथी की मट्ठियाँ आपस में चिपके ना और ये देख सकते हैं परफेक्ट मट्ठी हमारी रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आप सब, तो आज हम बनाएंगे ये खस्ता मट्ठी या मटरी इसको बोलते हैं और ये है बनाई मैंने पुदीने से, हरा पुदीना लिया है ताज़ा वाला। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं ये मटरी कैसे बनाई है मैंने। तो सबसे पहले हम ढेर सारा पुदीना लेंगे और उसको बारीक कट कर लेंगे। तो पुदीने का फ्लेवर हमारी मट्ठियों में जब ही आएगा, जब पुदीना हम अच्छी क्वांटिटी में उसमें ऐड करेंगे। तो पुदीने को बारीक कट कर लेंगे,
चॉप कर लेंगे, मिक्सी में नहीं डालेंगे, नहीं तो पुदीने का फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता है। और अब ले लिया मैंने एक कटोरी आटा, और एक कटोरी आटा इसमें और ऐड करूंगी। और अब इसमें ऐड करेंगे सूजी। ये सूजी बिल्कुल ऑप्शनल है, ये बस हमारी मिट्टियों को खस्ता बनाएगी, कुरकुरा बनाएगी। और अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा। और 3 से 4 चम्मच मैंने ऐड किया है रिफाइंड ऑयल मोइन के लिए। और इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और अब ये 15 से 20 हैं काली मिर्च, इन्हें मैंने कूट लिया दरदरा और इसको ऐड कर दिया। और इसको अच्छे से मल लेंगे हम, मसल लेंगे, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो सकें। तो जब तक तैयारी करते हैं, तो आप एक काम कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे नए वीडियोज़ जो आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे सारे वीडियोज़ को देख सकें। तो अब ये इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पुदीना भी ऐड कर दिया है जो मैंने बारीक कट किया था। अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम आटे को गूंथ लेंगे। आटे को ज़्यादा टाइट नहीं गूंदेंगे, पानी नॉर्मल यूज़ किया है, ना गर्म ना ठंडा। और आप देख सकते हैं हमारा जो आटा होगा वो इतना टाइट गूंदेंगे। और इसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं अलग अलग, 6 लोई बनाई हैं बड़ी बड़ी सी। और इसको ऐसे बेल लेंगे। तो इसे खूब बड़ा सा बेल लिया है मैंने स्लैब पे ही। तो मैं 3 लोई पहले मैंने बेल ली है, आप देख सकते हैं। अब इनको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। रखने से पहले इसमें लगाएंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसमें थोड़ा सा आटा डाल देंगे। ये हमारी मिट्टी को जो है लेयर देंगी और क्रिस्पी करेंगी। तो अब इसके ऊपर एक दूसरी रोटी जो बेली थी वो रख ली है, और उस पर भी ऐसे ही ऑयल लगा देंगे, फिर आटा थोड़ा सा डाल देंगे और इसके ऊपर रख देंगे दूसरी रोटी। तो आप देख सकते हैं अब इसको हम पतला कर लेंगे, क्योंकि 3 रोटियां एक दूसरे के ऊपर गई हैं तो ये मोटी हो चुकी है। तो इसको अच्छे से हम ऐसे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के खूब बड़ा सा बेल लेंगे। स्लैब है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, आपका छोटा स्पेस हो, छोटी जगह हो, तो छोटी छोटी रोटियाँ बेल लें। और अब इसको अच्छे से किनारों को पतला कर लेंगे, कहीं पर भी मोटा नहीं रहने देंगे, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। और अब इसको हम कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए पहले हम चारों साइड से कट कर देंगे, इसको चौकोर शेप दे देंगे, फिर इसको हम बराबर की शेप दे देंगे। और अब इसको हम तिकोना काटेंगे। तो ये तिकोना ऐसे काटेंगे हम, आप देख सकते हैं शेप आप कोई भी दे सकते हैं, गोल चौकोर या तिकोनी कोई भी शेप दे सकते हैं आप। तो मैंने ट्रायंगल शेप दी है और इसको कट कर लेंगे। और मैंने पैन में तेल चढ़ा दिया है। और अब इसको हम एक प्लेट में उठा लेंगे सारे ट्रायंगल्स, और बचे हुए आटे को दोबारा से बेल लेंगे और अपनी मनचाही शेप देंगे। तो ये सारी मैंने मट्ठी जो ट्रायंगल बनाए हैं इनको निकाल लेंगे। तो ये हमारी पुदीना फ्लेवर की मट्ठी जो है तैयार हो रही है। और आप फ्लेम देख सकते हैं, बिल्कुल 1 मिनट पहले ही मैंने गैस ऑन की है। और इतने फ्लेम पे हमें मट्ठियाँ सेकनी है। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो ये तुरंत फूल जाएंगी पूरी की तरह, और आपकी मट्ठियाँ जो है फूली हुई रहेंगी, खस्ता नहीं बनेंगी। तो फ्लेम को बिल्कुल कम रखेंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद फ्लेम को कर देंगे मीडियम। और इनको उलटते पलटते हुए सेक लेंगे और इनको ब्राउन कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस कलर पे भी निकाल सकते हैं आप, और थोड़ा और ब्राउन भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पुदीना मट्ठी कैसी लगी है। तो इनको आप एक बार बना के महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, जितनी मर्जी चाय इकट्ठी बना लें। और इन्हें आप ठंडी होने के बाद कंटेनर में रख के कभी भी खा सकते हैं महीनों तक। और अब मैं गोल शेप में बनाऊंगी कुछ मट्ठियाँ। तो गोल शेप में बार बार बेलने से अच्छा है कि ऐसे बड़ी सी रोटी बेल लें और किसी ग्लास या कटोरी की मदद से आप उन्हें कट कर लें। तो एक बार में आप देख सकते हैं हमारी 7 मट्ठियाँ बन गई हैं, और इनके बीच में छेद कर दें ताकि ये फूले ना। और फ्लेम थोड़ा हाई था तो मैं गैस को बंद कर दूंगी ताकि ये फूले ना, और इनको भी निकाल लेंगे। तो मेरी सारी मट्ठियाँ जो हैं आप देख सकते हैं रेडी हैं। ये तिकोनी वाली जो कितनी खस्ता बनी है, तो इतनी ही कुरकुरी आपकी मट्ठी बनेगी अगर आपकी सारा मेजरमेंट जो है ठीक रहेगा। तो सारी मट्ठियाँ बना ली हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मट्ठी तैयार हुई हमारी ये पुदीना फ्लेवर की। और आप देख सकते हैं ये भी कितनी क्रिस्पी बनी है। और इनको स्टोर करके आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं, ये महीनों तक खराब नहीं होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।